राधे राधे दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं भरमा भिंडी। तो भरमा भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने भिंडी को लंबाई में काट के रख लिया है, लंबाई में, ओके। उसके बाद हम लेते हैं मसाले। मसाले में हमने लिया 1.5 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला। उसके बाद हम 2 प्याज और 10 कली लहसुन को पीस के हमने पहले से रखा हुआ है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने कढ़ाई में थोड़ा सा 2 चम्मच तेल डाला है, उसमें हम भिंडी डालेंगे। भिंडी डालने के बाद थोड़ा सा हम फ्राई कर लेते हैं, जिससे कि उसमें लिबलिबापन नहीं आता है और भिंडी अच्छे से फ्राई, मतलब ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी 2 मिनट के लिए थोड़ा फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। फिर उसको हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। निकालने के बाद दोस्तों हम फिर से उस कढ़ाई में तेल डालेंगे और तेल को गरम करते हैं। तो दोस्तों कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है। तेल गरम होने के बाद हम उसमें लहसुन प्याज डालते हैं। लहसुन प्याज डालने के बाद उसको हम थोड़ा सा ही पकाएंगे दोस्तों, ज़्यादा ब्राउन नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम आधे कच्चे में ही लहसुन प्याज में हम ये भिंडी डालेंगे, मसाला डालेंगे, पहले लहसुन प्याज गरम हो जाए अच्छे से, थोड़ा सा भुन जाए अच्छा, उसके बाद हम उसमें मसाला डालेंगे, उसके बाद भिंडी डालेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि प्याज लहसुन धीरे धीरे पक रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, ओके। तो देखिए प्याज पक रहा है, हम इसको पूरा नहीं पकाएंगे। फिर उसमें मसाले डाल दिए हमने, पानी नहीं पड़ेगा, ऐसे ही पकाना है, पानी नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद हम इसको ज़रा सा पकाएंगे। अब देखिए हमने इसमें भिंडी डाल दी जो फ्राई करके पहले से रखी हुई थी। अब इतना करने के बाद हम उसको भिंडी को मसाले में मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों आप देखिए भिंडी तैयार हो चुकी है और ये देखिए इसमें ज़्यादा लिबलिबापन भी नहीं है और ये देखिए आप,